Dear students, alaikum. My name is Gulzar, and uh, today we'll be discussing about a very important topic. Actually, I am working as a lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School Magam, and today we are going to, going to discuss about a very important topic of 9th class mathematics, that is circles. So, dear students, when you were like uh, primary classes, mein the, ya, एट्थ में थे तो आपने सर्कल का कॉन्सेप्ट जहन में डाल दिया होगा और सर्कल कैसे होता है या सर्कल किस शेप का होता है यह आपने जहन में रखा होगा लेकिन आज हम सर्कल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे कि सर्कल बनता कैसे है या सर्कल के कुछ कंपोनेंट्स हैं पार्ट्स हैं वो उनके नाम क्या हैं या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल्स की ये हम आज इस क्लास में सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम एक पॉइंट यहां पे लेते हैं लेट्स टेक अ पॉइंट और इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूं ठीक है एंड लेट्स टेक अनदर पॉइंट यहां पे इसका नाम मैं बी रखता हूं ठीक है ये पॉइंट जो है इसको मैं फिक्स करता हूं फिक्स मतलब इट विल नॉट मूव ठीक है ये जो पॉइंट बी है इसको मैं मूव करवाता हूं और मूव ऐसे करवाता हूं कि ये ए से ज्यादा ना दूर हो नजदीक आए यानी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे रहे सेम डिस्टेंस पे रहे मैं दिखाता हूं कैसे अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा ऐसे और ऐसे मैंने इस पॉइंट को मूव करवाया कि जो जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक फिर ए से लेके यहां तक फिर ए से लेके यहां तक फिर ए से यहां यहां तक फिर ए से लेके यहां तक फिर ए से लेके यहां तक ये सेम होनी चाहिए ठीक है ये जो फिर पाथ बनती है एक पॉइंट की इसी पाथ को हम सर्कल कहते हैं क्या कहते हैं सर्कल कहते हैं ठीक है अगर मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा इट इज पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए ठीक है अब दूसरी डेफिनेशन देखिए जब आपने मैचेस आप टीवी पे देखते हैं वहां पे भी आप जब रिव्यू लिया जाता है ठीक है बॉल जब बॉलर फेंकता है तो तो स्लो मोशन में उस बॉल की जो पाथ है या जिसको हम लोकस कहते हैं वो दिखाते हैं फिर बॉल चाहे स्टंप्स पे लगती है या पैड के साथ टकराती है वो हम ऑटोमेटिकली देखते हैं वो क्या है एक्चुअली वो एक्चुअली हम दिखाते हैं पाथ ऑफ द बॉल बॉल किस पाथ से गुजरी है बॉल किस लोकस से गुजरी है ठीक है यहाँ पे भी हम इस पॉइंट के लोकस की बात करते हैं या इस पॉइंट के पाथ की बात करते हैं लोग कर शायद आपके दिमाग में नहीं आएगा लेकिन पाथ की बात हम करते हैं पाथ ऑफ द पॉइंट एंड सो व्हाट इज द सर्कल इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ठीक है या यू कैन से एक और डेफिनेशन से हम आपको समझाएंगे अगर यहां पर एक फिक्सड पॉइंट है यहां पर मैं फिगर बना यहाँ पे एक फिक्सड पॉइंट सी है और इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स मूव करते हैं या इसके इर्द गिर्द जो है सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ठीक है सेट ऑफ पॉइंट्स ऐसे हम सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे कि उनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्सड पॉइंट सी वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए या वो सेम होनी चाहिए हर जगह ठीक है तब हम इस सेट ऑफ पॉइंट्स को हम सर्कल कहते हैं सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल आई कैन राइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आर यू कैन से सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए प्लेन ऑन ए प्लेन विच मूव सच दैट इट इज डिस्टेंस आर यू कैन से डिस्टेंसिस फ्रॉम फिक्सड पॉइंट सी इज कॉन्स्टेंट ठीक है कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से ये मूव करते हैं तो इस पाथ को हम सर्कल कहते हैं ठीक है तो यहां पे मैं एक नया सर्कल ड्रॉ करता हूं तो सर्कल की शेप कैसे बनेगी वो बनेगी लाइक दिस दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट फिक्सड पॉइंट और डियर स्टूडेंट्स जब हम ये डिस्टेंस लेते हैं आई टेक दिस पॉइंट एज ए ठीक है दिस एसड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल वट इज इट कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है अब देखिए ये जो पाथ है एक्चुअली सर्कल्स की जब हम बात करते हैं सर्कल्स को हम तीन तरीकों से डिटरमाइन कर सकते हैं एक है इंटीरियर ऑफ द सर्कल वो है इनर पोर्शन ऑफ द सर्कल दूसरा है द बाउंड्री ऑफ द सर्कल वो है ये कर्व ये पाथ ठीक है तीसरा है आउटर सर्कल यानी सर्कल के बाहर जो वाला पोर्शन है ठीक है अब ये जो पाथ है पाथ फॉलोड बाय द पॉइंट इसको हम सरकम कहते हैं क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट सर फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा आपने यूक्लिड का नाम सुना होगा यूक्लिड यूक्लिड वॉज अ मैथमेटिशियन अराउंड थ्री हंड्रेड बी सी में वो जिंदा थे या उनका जन्म हुआ था उनके उसके आसपास तो यूक्लिड ने क्या किया वो सर्कल्स बनाता था छोटे सर्कल बड़े सर्कल और मंजिले सर्कल और बहुत बड़े सर्कल्स लाइक like, वो सर्कल्स के साथ ही खेलता था तो वो क्या करता था छोटे सर्कल इससे बड़े सर्कल इससे भी बड़े सर्कल और इससे भी बड़े सर्कल और बहुत बड़े सर्कल ठीक है फिर यूक्लिड ने क्या किया यूक्लिड क्या करता था वो इन सर्कल्स का जो ये डिस्टेंस है जिसे हम टुवाइज द रेडियस कहते हैं रेडियस और रेडियस इसको हम डायमीटर कहते हैं डायमीटर ये मैं बी रखता हूं ठीक है वो यूक्लिड क्या करता था वो डायामीटर भी मेजर करता था और इसकी सरकमफ्रेंस भी मेजर करता था डायमीटर भी मेजर करता था और इसकी सरकमफ्रेंस भी मेजर करता था डायमीटर भी मेजर करता था और इसकी सरकमफ्रेंस भी मेजर करता था तो इंटरेस्टिंगली यूक्लिड ने क्या पाया जब भी चाहे छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो या बहुत बड़ा सर्कल हो जब भी वो इन दो का रेशो लेता था यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लेता था वो हमेशा एक ही नंबर के आसपास आता था लाइक थ्री पॉइंट वन फोर या समथिंग लाइक दैट उसने यूक्लिड ने इसी रेशो का नाम पाई रखा क्या रखा डियर स्टूडेंट्स पाई सो व्हाट इज पाई पाई इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ सर्कम्फ्ल टू द डायमीटर डायमीटर आप जानते हैं यहां पे डायमीटर जो है दैट इज द टोवाइस ऑफ द रेडियस सो यू कैन राइट Circumference divided by twice टू आइस रेडियस इज पाई सो यू कैन राइट equal टू टू पाई आर ठीक है इस तरह से हमने सरकम अगर एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है वी कैन फाइंड आउट अप्रोक्सीमेटली इट्स सर्कमफ्रेंस ठीक है तो सरकम कैसे निकाल पाएंगे सरकम इज टू पाई ठीक है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट r इज गिव Pi you can take 22 by 7 or there are some approximate values of pi, but remember dear students, pi is an irrational number. 22 by 7 is not its exact value, it is its approximate value. So, that is why sometimes students get confused why pi is irrational and 22 by 7 is rational. Yes, of course. पाई इज एन इेशनल नंबर एंड 22 टू बाई इज ए रेसनल नंबर 22 टू बाई इज इट्स एप्रोक्सिमेट वैल्यू नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू सो हम आगे बढ़ेंगे जब हमने सर्कल की बात की तो यहां पे जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ठीक है तो दिस इज द सेंटर अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स यहां पे सर्कल पे ड्रॉ करते हैं लाइक ए एंड बी ठीक है इफ आई ज्वाइन दीज टू पॉइंट ए एंड बी This line segment of the circle is called chord. Hai? What is chord? Chord is the line segment joining any two points on the circle. So chords both saree ho sakte. Hai. Like this is the chord, this is also the chord. Here we have another chord, this is the chord, this is also the chord. But a very important chord that passes through the center. PQ. दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल और सर्कल का ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं जिसकी जिक्र हमने अभी बात कर रहे थे डायमीटर की ठीक है तो ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल ठीक है इसके बाद कुछ और टर्म्स हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में ही अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक ड्रॉ ए सर्कल हेयर एंड वि स्ट्रेट लाइन अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वि लाइन देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज लाइन ऐसे हो सकती है जो सर्कल को कहीं पे टच नहीं कर सकती है या इंटरसेक्ट करती है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन पॉइंट एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ठीक है तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि एक एक लाइन जो है वो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है ठीक है इस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं या सिंपली सीकेंट कहते हैं द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट and the line which touches the circle at single point at one point that line is called tangent line hai? tangent line so it does not intersect the circle you can call it as a non-intersecting line ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ मोर टर्मिनोलॉजी के साथ कुछ और कंडीशंस या कुछ और टर्म्स हम यहां पे डिफाइन करेंगे वो है कॉर्ड भी हमने डिफाइन किया डायमीटर भी सी भी टेंजेंट भी अब देखिए आई टेक द पार्ट ऑफ ए सर्कल दैट इज इफ दिस इज द सर्कल एंड आई कट द पार्ट ऑफ द सर्कल दिस इज सी

दूसरा है ए से लेके यहां तक बी तक ये भी एक आर्क है ये भी एक पार्ट ऑफ द सर्कल है इसको भी आर्क कह सकते हैं लेकिन इसको हम मेजर आर्क कहेंगे बड़ा वाला आर्क कहेंगे लेकिन ये जो छोटी आर्क है इसको हम माइनर आर्क कहते हैं ठीक है अब देखिए डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आर्क के एंड पॉइंट्स ज्वाइन करवाऊंगा सेंटर के साथ ठीक है आई ज्वाइन द पॉइंट्स और यू कैन से एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद सेंटर ठीक है देन दिस पोर्शन दिस पार्ट ऑफ द सर्कल दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल सेक्टर ये ऊपर वाला पोर्शन भी एक सेक्टर बन जाता है ठीक है इसको भी हम सेक्टर कहेंगे लेकिन चूंकि ये बड़ा सेक्टर है इसलिए हम इसको मेजर सेक्टर कहेंगे और ये जो छोटा सेक्टर है इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं ठीक है ये है कुछ टर्म्स हाँ एक टर्म मैं भूल गया वो है सेगमेंट अभी हम बात कर रहे थे अगर हम सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे दिस इज ठीक है ये सर्कल को दो हिस्से करता है एक ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा ठीक है इसको हम सेगमेंट कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल सेगमेंट ऑफ सर्कल ठीक है और बड़ा वाला पोर्शन भी है इसको भी हम सेगमेंट कहेंगे क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है बड़ा सेगमेंट है इसलिए हम इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं और इस सेगमेंट को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने जहन में रखा कि सर्कल क्या है इसका रेडियस क्या है इसका सेंटर क्या है इसका कॉर्ड क्या है टेंजेंट क्या है सीकेंट क्या है इसके बाद हमने डिफाइन किया माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल ठीक है अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के हवाले से या सर्कल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक यू कैन से द थ्योरम्स हैं जिनको हम प्रूव यहां पे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हां डियर स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे दिखाई ये बुक पे भी आप देख सकते हैं बुक पे ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंड करना मस्ट है कि किस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं ठीक है अब हम एक थारम पे आते हैं थारम है अगर एक सर्कल है हमारे पास इफ वी हैव अ सर्कल ठीक है And we have two equal chords like this is AB, AB is a chord, and then we have PQ, PQ is another chord. let's take P here and then Q here. now the theorem is equal chords. इक्वल कॉर्ड्स subtend equal इक्वल एंगल्स एट द सेंटर यानी अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी एंड पी क्यू और ये जो ए बी सेंटर सी के साथ एंगल बनाता है ये ये बराबर होगा उस एंगल का जो पी क्यो कॉर्ड सेंटर के साथ बनाता है ठीक है नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम आपने समझ लिया ना व्हाट एक्चुअली थ्योरम इज थम इक्वल कॉर्ड्स अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं पी क्यू एंड ए बी वो जो सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं वो भी एंगल जो है एंगल जो है वो बराबर होंगे दिस इज थ्योरम सो विल बी प्रूविंग दिस थ्योरम राइट नाउ इसके लिए हम पहले लिखेंगे व्हाट इज गिवन

एंगल ए सी बी इज इक्वल्टे एंगल इज इक्वल एंगल पी सी क्यू ये हमें प्रूव करना है एंगल ए सी बी इज इक्वल्ट एंगल पी सी क्यू ठीक है तो हम कॉन्ग्रेंस की एक ठर्म है या एक क्राइटेरिया है वो हम यूज करेंगे जिससे हम ये एंगल जो है ये बराबर शो करेंगे ठीक है इफ आई नेम दिस एंगल एज एंगल वन दिस एज एंगल टू आई कैन राइट वी हैव टू शो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है नाउ लेट्स प्रूफ तो प्रूफ कैसे हम करेंगे इस थ्योरम का ठीक है आई टेक द टू ट्राइंगल्स मैं लिखूंगा इन इन ट्राइंगल ए सी बी दिस इज द ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रैंगल पी सी क्यू दिस इज द ट्रैंगल पी सी क्यू ठीक है नाउ वट इज वट इज गिव आई हैव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है है ना इट इज गिवन में लिखूंगा यहां पर इट इज गिवन बिकॉज वी आर गिवन ए बी एंड पी क्यू आर टू इक्वल कॉर्स न अनदर साइड इज ए सी इज इक्वल टू पी सी बताइए कैसे दिस ए सी इज इक्वल टू पी सी क्या आप मुझे कह सकते हैं कैसे यस रेडियो ऑफ द सेम सर्कल ये देखिए यह सी ए भी रेडियस है और सी पी भी रेडियस है ठीक है तो रेडियो ऑफ द सेम सर्कल जो है वो इक्वल होते हैं क्योंकि एक सर्कल के अगर दो रेडियस है तो वह सेम होंगे डेफिनेटली इसलिए मैं लिखूंगा रीजन रेडिये ऑफ सेम सर्कल इसके बाद वी हैव दिस बी सी बी सी इज दैट साइड दिस वन दिस साइड दिस इज इक्वल टू क्यू सी क्यू सी बी सी इज इक्वल टू क्यू सी अगेन रीजन इज ऑफ़ सेम सर्कल ठीक है इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमने दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड जो हैं आपस में बराबर हैं ठीक है देन वी कैन कंक्लूड बाय एस 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 हम कह सकते हैं ट्रैंगल ए सी बी ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी सी क्यू इस तरह से जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉनग्रेंट है कॉन मतलब अगर हम एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे ठीक है ये ट्रायंगल ऊपर करके इस पे रखेंगे तो ये जो एंगल है एंगल पी ए एंगल पी पे पड़ेगा और बराबर होगा ये जो एंगल बी है ठीक है ये एंगल क्यों के बराबर होगा और ये जो एंगल सी है ये एंगल इसके बराबर होगा यानी एंगल टू के बराबर होगा ठीक है सो बाई वी कैन राइट बाई एस 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 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट सो वी कैन राइट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू रीजन इज कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं सी पी सी टी यानी कॉरस्पोंडिंग

पे जाते हैं नेक्स्ट थार्म क्या है वो है कि कैसे हम इसका कन्वर्स प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स ऑफ दिसम व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थारम सो आई कैन राइट इफ टू कॉर्ड्स, इफ टू कॉर्ड्स सब टेंड इक्वल एंगल्स विद द सेंटर विद द सेंटर देन द कॉड्स आर इक्वल देन द कॉड्स आर इक्वल इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है हम कन्वर्स कर रहे हैं इस थॉरम का और दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड देन वी हैव पी क्यू ठीक है और ये जो एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ वो सेम है ठीक है तो हमें कॉर्ड्स इक्वल दिखाने हैं सो व्हाट इज गिवन हियर वी हैव टू कॉर्ड्स टू कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू ए बी एंड पी क्यू ठीक है वट इज टू प्रू टू प्रू इज वी हैव टू शो इज इक्वल टू पी क्यू अब देखिए प्रूफ देखिए इस थ्योरम का डियर स्टूडेंट्स क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है हम कोशिश करेंगे इसका प्रूफ करने की तो ये है ए बी दिस इज द ए बी एंड एंगल इसका नाम मैं सी देता हूं ठीक है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अब यहां पे अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी सी क्यू हम फिर से लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू इट इज गिवन ये दिया हुआ है थ्योरम में ही कि एंगल सबटेंड जो करते हैं सेंटर के साथ टू कॉर्ड्स वो इक्वल है इसके बाद ए सी अगर मैं लिखूंगा वो है पी सी के बराबर वो कंडीशन वही है रेडियो ऑफ सेम सर्कल इसके बाद ये साइड ए सी इज इक्वल टू पी सी इसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू सी अगेन रेडियो ऑफ सेम सर्कल ठीक है सो बाय ए क्राइटीरिया एस ए एस क्राइटीरिया ठीक है ट्रायंगल ए सी बी इज कॉनग्रेंट टू ट्रायंगल पी सी क्यू ठीक है ये ट्रायंगल दो जो है ये भी कॉन्ग्रेंट निकले कॉन्ग्रेंट मतलब अगर हम ये ट्रायंगल उल्टा करके इस पे लिखेंगे या इस पे रखेंगे तो साइड्स जो हैं या पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल जो हैं वो बराबर होंगे इसका मतलब ये एंगल जो है ये बराबर एंगल टू पे पड़ेगा या बराबर होगा ये जो साइड है ये बराबर पी क्यू पे पड़ेगा और बराबर होगा इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आई राइट अगेन रीजन सी पी सी टी कारस्पोंडिंग पार्टस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हमने सीखा वट इज सर्कल वट इज रेडियस वट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल इसके अलावा हमने दो थे यहाँ पर प्रूव की इक्वल कार्ड्स में एकवल एंगल देंटर एंड इट्स कन्वर्स इफ टू कॉर्ड्स Make equal angles at the center, then the chords are equal. Hope you have understood this topic ko se understand hoga. well. We will be meeting in the next lectures. Now it is time to wind up. I will be meeting you in the next lectures. Till then, goodbye.